गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू CSIR बायोलॉजी क्लासेस। हम लोग जो स्टडी कर रहे थे एक्सेस फॉर्मेशन इन एम्फीबियम। तो एक्सेस फॉर्मेशन इन एम्फीबियम हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या देखा था, गैस्ट्रुलेशन इन एम्फीबियम हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे आखिर ये प्राइमरी ऑर्गेनाइजर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी ऑर्गेनाइजर। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो ग्रेट क्रिसेंट जो एरिया होता है या फिर ग्रेट क्रिसेंट होता है वो कैसे करके एक्ट करता है प्राइमरी ऑर्गेनाइजर। और हम लोग देखेंगे कि डॉर्सल हिप्पोब्लास्टोपोर जो होता है वो भी क्या कैसे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर क्यों बोलते हैं, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, लेकिन ये दोनों को देखने से पहले हम लोग को थोड़ा सा जानना होगा कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी ऑर्गेनाइजर के बारे में कि ये प्राइमरी ऑर्गेनाइजर होता क्या है। तो देखो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कि जो भी प्राइमरी ऑर्गेनाइजर होता है वो एक तरह से एक इंड्यूसिंग मटेरियल हो सकता है या फिर हम लोग बोलेंगे सेल हो सकता है या टिश्यू हो सकता है। वो क्या करता है, देखो जैसे कि मान लीजिए क्या है, एक सेल है। ठीक है, ये इंड्यूसिंग मटेरियल है, ये क्या करता है, एक सेल क्या करता है, एक केमिकल्स को निकालता है। ठीक है, केमिकल्स को निकालता है, उस केमिकल्स को हम लोग बोलते हैं इवोकेटर। ठीक है ना, और वो इवोकेटर या केमिकल या फिर इसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूसिंग सिग्नल। इस केमिकल या इवोकेटर या इंड्यूसिंग सिग्नल के कारण क्या होता है, जो सामने वाला सेल होता है उसमें क्या आता है, हम लोग बोलेंगे चेंजेस आता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बोलेंगे सामने वाला सेल्स में चेंजेस आ रहा है किसके कारण, केमिकल्स या इवोकेटर के कारण, जिसको कौन निकाल रहा है, कोई स्पेसिफिक सेल निकाल रहा है, तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इस सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, इस सेल्स को ऑर्गेनाइज कर रहा है कि तुम क्या चीज में चेंज हो जाओ, किसी चीज में चेंज हो जाओ। ठीक है, इसको प्राइमरी ऑर्गेनाइजर को हम लोग इंड्यूसर भी बोलते हैं। ठीक है ना, और इस मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं, जिस मैकेनिज्म से ये सिक्रीट करता है केमिकल्स और सामने वाले सेल्स में चेंज लाता है, उस मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं इंडक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर क्या हो गया, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर वैसा इंड्यूसर हो गया जो कि क्या करता है, केमिकल्स को निकालता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इवोकेटर या इंड्यूसिंग सिग्नल, जो कि क्या लाता है, जो सामने वाला सेल होता है उसमें क्या लाता है, चेंजेस लाता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो सकता है कि ये वाला सेल्स के केमिकल्स या इवोकेटर के कारण जो सामने वाला सेल्स है वो क्या चीज में चेंज हो गया, मान लो क्या चीज में चेंज हो गया, नर्वस सिस्टम में चेंज हो गया, मान लो किसमें चेंज हो गया, हम लोग बोलेंगे नेफ्रिडिया में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये चेंजेस जो आ रहा है ये किसके कारण आ रहा है, हम लोग बोलेंगे इंड्यूसर के कारण या फिर हम लोग बोलेंगे प्राइमरी ऑर्गेनाइजर के कारण। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये इंड्यूसर या प्राइमरी ऑर्गेनाइजर क्या निकाल रहा है, केमिकल्स निकाल रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं इवोकेटर। तो जिस सेल्स में चेंज आता है, किस सेल्स में चेंज आ रहा है, हम लोग बोलेंगे इस सेल्स में चेंज आ रहा है, जिस सेल्स में चेंज आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्डर। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, रिस्पॉन्डर या फिर इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्पिटेंस। ठीक है, और जिसके कारण चेंज आ रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इंड्यूसर या फिर इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर। इसका मतलब ये प्राइमरी ऑर्गेनाइजर क्या कर रहा है, सामने वाला सेल्स को ऑर्गेनाइज कर रहा है कि तुम किस में चेंज हो जाओ, नर्वस सिस्टम में चेंज हो जाओ या फिर हम लोग बोलेंगे नेफ्रिडिया या कुछ भी चीज में, ये क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, कैसे, बाय सिक्रीटिंग केमिकल्स। और ये कंप्लीट मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन या फिर हम लोग बोल सकते हैं इंडक्शन। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग को क्या करना है, अप्लाई करना है क्या चीज में, हम लोग बोलेंगे ग्रेट क्रिसेंट वाले एरिया में या फिर हम लोग बोलेंगे डॉर्सल हिप्पोब्लास्टोपोर में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं ये वाले ग्रेट क्रिसेंट को क्यों बोलते हैं, हम लोग बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं कि जो डॉर्सल हिप्पोब्लास्टोपोर है इसको हम लोग प्राइमरी ऑर्गेनाइजर क्यों बोलते हैं। तो इसको जानने से पहले लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, गैस्ट्रुलेशन देखा था। तो गैस्ट्रुलेशन में हम लोगों ने क्या देखा था कि गैस्ट्रुला बना था और क्या हुआ था, थ्री जर्म लेयर का फॉर्मेशन हुआ था, एक था एक्टोडर्म, एक क्या था हम लोग बोलेंगे मेसोडर्म, और तीसरा क्या था एंडोडर्म। तो ये वाला क्या हो गया, एंडोडर्म, ये हम लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो में। और ये वाला जो, ये क्या था, हम लोग बोलेंगे आर्केंट्रोन था, ये क्या था, ब्लास्टोपोर था, और ये वाला क्या था, डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर, और ये वाला क्या था, वेंट्रल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर। यही कॉन्सेप्ट था ना, यही हम लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो में। तो एक चीज हमेशा याद रखना, ये डॉर्सल हिप्पोब्लास्टोपोर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर। इसका मतलब ये क्या करेगा, किसी सामने वाला सेल्स को क्या करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, सामने वाला सेल्स में क्या लाएगा, चेंजेस लाएगा। तो याद रखना, ये जो डॉर्सल हिप्पोब्लास्टोपोर है ये क्या करता है, ये जो मेसोडर्म है, इसके सामने वाला सेल्स, ये मेसोडर्म है, उसको ये क्या कराता है, इंड्यूस कराता है या फिर उसमें चेंजेस लाता है, और इस मेसोडर्म को ये किसमें चेंज करा देता है, हम लोग बोलेंगे कॉर्डा मेसोडर्म में। ठीक है, इसको याद रखना, इसका मतलब कॉर्डा मेसोडर्म किसके कारण बन रहा है, डॉर्सल हिप्पोब्लास्टोपोर के कारण बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि डॉर्सल हिप्पोब्लास्टोपोर क्या निकाल रहा है, कुछ केमिकल निकाल रहा है, अपने सामने वाला मेसोडर्म में सिक्रीट कर रहा है, सामने वाला मेसोडर्म क्या चीज में चेंज हो जा रहा है, कॉर्डा मेसोडर्म। इस मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडक्शन मैकेनिज्म।
और इसके बाद देखो ये जो क्वाडा मेसोडर्म है, ये जो क्वाडा मेसोडर्म है ये फिर से क्या निकालेगा, कोई केमिकल को निकालेगा, और ये जो एक्टोडर्म है क्वाडा मेसोडर्म के सामने वाला जो एक्टोडर्म यही वाला है, इस एक्टोडर्म को ये इंड्यूस करा देगा और इसको बोलेगा कि तुम किसमें चेंज हो जाओ, तुम किसमें चेंज हो जाओ, नर्वस सिस्टम में क्या हो जाओ, चेंज हो जाओ। इसका मतलब ध्यान से देखो कि नर्वस सिस्टम को बनने के लिए क्या होना पड़ेगा, नर्वस सिस्टम को बनने के लिए क्या होना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे क्वाडा मेसोडर्म होना पड़ेगा, और क्या होना पड़ेगा, डॉर्सल लिपोब्लास्टोफोर होना पड़ेगा। मतलब हो गया कि डॉर्सल लिपोब्लास्टोफोर से सिग्नल निकला, जो मेसोडर्म को किसमें चेंज कराया, पहले क्वाडा मेसोडर्म में चेंज कराया, अब क्वाडा मेसोडर्म से फिर क्या निकला, सिग्नल निकला, जो क्वाडा मेसोडर्म के सामने वाला जो एक्टोडर्म है उसको किसमें चेंज करा दिया, नर्वस सिस्टम में। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है ना, तो अब ये जो डॉर्सल लिपोब्लास्टोफोर है ये प्राइमरी ऑर्गेनाइजर कैसे है, इसको जानने के लिए क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया, और जो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, हैंस स्पीमैन एक्सपेरिमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये क्या किया, तीन एक्सपेरिमेंट किया। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ये इन्होंने क्या किया, देखो ध्यान से, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया इन्होंने, कि जो भी मतलब सालामेंडर का जो एम्ब्रियो है, जो गैस्टुलेशन स्टेज में है, उस एम्ब्रियो को वो लिया। ठीक है, लेने के बाद ये क्या किया, ये देखो लिया। ठीक है, लेने के बाद ये क्या किया, ये डॉर्सल लिप है और ब्लास्टोफोर, ये क्या चीज है, क्वाडा मेसोडर्म है, और ये वाला क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे एक्टोडर्म है, ये वाला पार्ट क्या चीज है, ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टोडर्म। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जस्ट ये जो क्वाडा मेसोडर्म के सामने वाला जो एक्टोडर्म है, ये वाला पार्ट, ये वाला, इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, कौन, स्पीमैन रिमूव कर दिया। तब हम लोग बोलेंगे वो देखा कि क्या चीज नहीं बना, कोई भी न्यूरल प्लेट या नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन नहीं हुआ। ठीक है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया इन्होंने, कि जो भी सालामेंडर का जो एम्ब्रियो है गैस्टुलेशन स्टेज में, इन्होंने क्या किया, उस एम्ब्रियो को लिया और डॉर्सल लिपोब्लास्टोफोर के ऊपर क्वाडा मेसोडर्म था, क्वाडा मेसोडर्म के सामने वाला जो एक्टोडर्म था उसको इन्होंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, और फिर देखा कि कोई भी नर्वस सिस्टम हम लोग, या फिर हम लोग बोलेंगे न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो स्पीमैन ने कंक्लूजन निकाला, उन्होंने बोला कि पहला चीज तो ये है कि नर्वस सिस्टम को बनने के लिए क्या होना पड़ेगा, नर्वस सिस्टम यहीं पर बनेगा, नर्वस सिस्टम को बनने के लिए क्या होना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे एक्टोडर्म होने ही पड़ेगा। ठीक है, पहला वो चीज कंक्लूजन निकाला। लेकिन ये एक्टोडर्म कैसे करके नर्वस सिस्टम में चेंज होता है, मतलब ये एक्टोडर्म कैसे करके नर्वस सिस्टम में चेंज होता है, या फिर हम लोग बोलेंगे न्यूरल ट्यूब में चेंज होता है, वो नहीं बता पाया स्पीमैन, इसको नहीं बता पाया। वो ऐसा माना कि जरूर ऐसा होता होगा कि ये जो एक्टोडर्म के सामने वाला जो मेसोडर्म है, अंडरलाइंग जो मेसोडर्म है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्वाडा मेसोडर्म, उससे जरूर कुछ सिग्नल निकलता होगा, और वो सिग्नल क्या करता होगा, सामने वाला जो एक्टोडर्म है उसको डिफरेंशिएट कराता होगा कि तुम किसमें चेंज हो जाओ, नर्वस सिस्टम में चेंज हो जाओ। ठीक है, तो ये अपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकाला, कौन, स्पीमैन। तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया ये हम लोग देखेंगे। हाँ, तो इन्होंने सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया, सेकंड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने किया क्या कि ये जो डॉर्सल लिपोब्लास्टोफोर है इसके ऊपर क्या चीज है, ये क्वाडा मेसोडर्म है, ये वाला क्या चीज है, एक्टोडर्म है, जस्ट क्वाडा मेसोडर्म के सामने वाला। तो इन्होंने पहले क्या किया, इस एक्टोडर्म को यहां से कट किया, यहां से कट किया। ठीक है, कट करने के बाद ये जो एक्टोडर्म है इसको यहां से क्या कर दिया, एक तरह से टाई कर दिया। ठीक है, यहां पर ऐसा करके टाई कर दिया। टाई करने के बाद इन्होंने क्या किया, ये जो क्वाडा मेसोडर्म है इसको क्या कर दिया, बाहर की तरफ निकाल दिया, मतलब इसको क्या किया, रिमूव किया, रिमूव द क्वाडा मेसोडर्म। ठीक है, तो क्वाडा मेसोडर्म जब रिमूव हो गया तो कैसा दिखेगा ये देखो, ये ऐसा दिखेगा, ये वाला डायग्राम में देखो, ये क्वाडा मेसोडर्म क्या हो गया, रिमूव हो गया। ठीक है, रिमूव होने के बाद ये इसको जो मतलब एक्टोडर्म उसको फिर से क्या कर दिया, हम लोग बोलेंगे फिर से क्या कर दिया, फिर से ये जोड़ दिया। देखो यहाँ पर एक्टोडर्म यहाँ जो टाई किया था उसको फिर से क्या कर दिया, यहाँ से क्या कर दिया, जोड़ दिया, जोड़ दिया। तो अब देखो यहाँ पर क्या चीज नहीं है, यहाँ पर कोई भी क्वाडा मेसोडर्म नहीं है। तो उसने देखा रिजल्ट में कि यहाँ पर भी क्या नहीं बना, कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं बना, या फिर हम लोग बोलेंगे कोई भी न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि नर्वस सिस्टम को बनाने के लिए क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है, हम लोग बोलेंगे क्वाडा मेसोडर्म रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए उन्होंने, इसीलिए मैंने देखो यहाँ पर लिखा है, कंक्लूडेड दैट इट मींस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नर्वस सिस्टम को बनने के लिए एक्टोडर्म के साथ साथ हम लोग बोलेंगे क्या चीज एसेंशियल है, अंडरलाइंग मेसोडर्म, मतलब क्या चीज, क्वाडा मेसोडर्म। ठीक है, इन्होंने सेकंड एक्सपेरिमेंट में ये बताया। अब ये थर्ड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, तो
हाँ तो जो और जो थर्ड एक्सपेरिमेंट था कि स्पीमैन का, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग था। तो स्पीमैन ने थर्ड एक्सपेरिमेंट में किया क्या, वो क्या किया, दो इम्ब्रियो को लिया एक साथ, गैस्ट्रुलेशन स्टेज में दो इम्ब्रियो को वो एक साथ लिया। दोनों इम्ब्रियो में क्या होगा, डॉर्सल लिपोब्लास्टोफोर होगा, कॉर्डा मेसोडर्म होगा, एक्टोडर्म होगा, यहाँ पर भी होगा, और क्या होगा, इंडोडर्म होगा, और वेंट्रल लिपो क्या होगा, ब्लास्टोफोर होगा, ये भी है। तो अब देखो इन्होंने किया क्या, ये जो फास्ट वाला जो एम्ब्रियो है ना, फास्ट वाला एम्ब्रियो से ये जो कॉर्डा मेसोडर्म है इसको ये क्या किया, बाहर निकाला। और जो सेकेंड वाला एम्ब्रियो है, यहाँ पर देखो वेंट्रल लिपो ब्लास्टोफोर के पास जो क्या चीज है, ये मेसोडर्म है, इसको यहाँ से पहले यहाँ से कट किया, हटाया, और ये जो कॉर्डा मेसोडर्म है उसको कहाँ प्लेस कर दिया, हम लोग बोलेंगे दूसरे वाले एम्ब्रियो के वेंट्रल लिपो ब्लास्टोफोर में क्या कर दिया, प्लेस कर दिया, कौन, स्पीमैन। तब अब देखा कि जब ये एम्ब्रियो ऑर्गेनिज्म बना तो उसके पास क्या हो गया, दो नर्वस सिस्टम हो गया, एक इधर भी नर्वस सिस्टम डेवलप हो गया, एक हम लोग बोलेंगे इधर भी क्या डेवलप हो गया, नर्वस सिस्टम डेवलप हो गया, ठीक है। तो वो कंक्लूजन क्या निकाला स्पीमैन ये कंक्लूजन निकाला कि नर्वस सिस्टम को बनाने के लिए, ये क्या हो गया, नर्वस सिस्टम को बनाने के लिए हम लोग बोलेंगे कि एक्टोडर्म का होना तो होना ही हुआ, वो एक्टोडर्म तो हो गई होगा, इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे कि क्या चीज होगा, मेसोडर्म भी क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। एक्चुअल में ये जो स्पीमैन था वो डॉर्सल लिपोब्लास्टोफोर को क्या बोला कि ये क्या चीज है, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर है, इसीलिए ये प्राइमरी ऑर्गेनाइजर है क्योंकि यही क्या करता है, प्राइमरी सबसे पहले क्या करता है, यहाँ पर का जो मेसोडर्म है इसको इंड्यूस करता है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर का मेसोडर्म किसमें चेंज हो जाता है, कॉर्डा मेसोडर्म में, और ये कॉर्डा मेसोडर्म फिर फर्दर क्या चीज को इंड्यूस करता है, एक्टोडर्म को ऑर्गेनाइज करता है, इंड्यूस करता है कि तुम किसमें चेंज हो जाओ, नर्वस सिस्टम में चेंज हो जाओ, ठीक है। तो यही क्या हो गया, डॉर्सल लिपोब्लास्टोफोर प्राइमरी ऑर्गेनाइजर हो गया, ठीक है। और एक तरह से हम लोग ये भी बोल सकते हैं, अगर ये प्राइमरी ऑर्गेनाइजर हो गया तो जो कॉर्डा मेसोडर्म है वो सेकेंडरी भी हो सकता है ऑर्गेनाइजर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक्टोडर्म को क्या चीज में ऑर्गेनाइज कर रहा है, हम लोग बोलेंगे नर्वस सिस्टम में, ठीक है ना। तो ये हो गया क्या चीज, ये एक्सपेरिमेंट, स्पीमैन एक्सपेरिमेंट रिगार्डिंग प्राइमरी ऑर्गेनाइजर। देखो मैंने यहाँ पर ये भी लिखा कि जो ग्रीक रिसेंट होता है वो भी क्या चीज का काम करता है, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर का काम करता है। तो देखो इसको ऐसे समझते हैं कैसे करके, जैसे कि देखो देखो इसको ऐसे समझते हैं, ग्रेट क्रिसेंट एरिया बना कहाँ था। तो अगर हम लोग एग को देखेंगे एम्फीबियन एग को देखेंगे तो वो क्या था, मेसोटेलोलेसिथल था, ठीक है। इंट्रोस्पर्म क्या था, यहाँ से था, और जहां से इंट्रोस्पर्म हो रहा था वो स्पॉट को हम लोग क्या बोले थे, वेंट्रल, और इसके ओपोजिट पार्ट को क्या बोले थे, डॉर्सल, ठीक है। और इस डॉर्सल पार्ट में भी यहाँ पर क्या बन रहा था, हम लोग बोलेंगे ग्रे क्रिसेंट एरिया का फॉर्मेशन हो रहा था। क्यों हो रहा था, क्योंकि इंट्रोस्पर्म कॉजेस 30 डिग्री क्या चीज, कॉर्टिकल रोटेशन, जिसके कारण यहाँ पर क्या बन रहा था, ग्रे क्रिसेंट वाला एरिया बन रहा था, ठीक है। तो ध्यान से अगर देखेंगे तो जब ये एग हम लोग बोलेंगे गैस्ट्रुलेशन में जाएगा तो ये एग का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे दो पार्ट होगा, ठीक है। एक हम लोग बोलेंगे वेंट्रल पार्ट, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, इस तरफ क्या हो गया, वेंट्रल, और यहाँ से यहाँ पार्ट क्या हो गया, पूरा क्या हो गया, डॉर्सल। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट वेंट्रल, और इधर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट डॉर्सल। तो ये वाला लिप को हम लोग क्या बोलेंगे, वेंट्रल लिपो ब्लास्टोफोर, ये वाला लिप को क्या बोलेंगे, डॉर्सल लिपो ब्लास्टोफोर, यही है। तो ये वाला जो एरिया होता है ना, ग्रेट क्रिसेंट वाला एरिया, वो कहाँ पर लाई करता था, हम लोग बोलेंगे ये वाला डॉर्सल लिपो ब्लास्टोफोर है, यहीं पर क्या होता है, ग्रेट क्रिसेंट वाला एरिया बनता है। या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो ग्रेट क्रिसेंट वाला एरिया है वही ग्रेट क्रिसेंट वाला एरिया वाला सेल्स क्या बनाया है, डॉर्सल लिपो ब्लास्टोफोर बनाया है। क्योंकि डॉर्सल लिपो ब्लास्टोफोर क्या चीज का काम कर रहा है, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर का काम कर रहा है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे ग्रेट क्रिसेंट भी क्या चीज है, यही इसी का पार्ट है। ग्रेट क्रिसेंट एरिया भी क्या चीज है, डॉर्सल लिपो ब्लास्टोफोर का ही पार्ट है, या फिर डॉर्सल लिपो ब्लास्टोफोर ग्रेट क्रिसेंट वाले एरिया के सेल्स ही बना है, इसीलिए ग्रेट क्रिसेंट एरिया भी क्या है, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं ग्रेट क्रिसेंट को भी हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर। तो यही था स्पीमैन एक्सपेरिमेंट रिगार्डिंग प्राइमरी ऑर्गेनाइजर। स्पीमैन ने और भी कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट किया ग्रेट क्रिसेंट को लेकर, वो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट था स्पीमैन का वो क्या था, वो स्पीमैन एक्सपेरिमेंट फॉर ग्रेट क्रिसेंट एरिया, ग्रेट क्रिसेंट एरिया को लेकर क्या किया स्पीमैन, और एक एक्सपेरिमेंट किया, इसमें वो दो केस लिया। केस वन में देखो क्या किया, ये एग लिया, क्या चीज, एम्फीबियन एग, मतलब सालामेंडर का एग लिया, और उस एग में हम लोग जानते हैं कि ग्रेट क्रिसेंट एरिया प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या चीज है, ग्रेट क्रिसेंट एरिया, ये वाला एरिया है, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने फर्स्ट क्लीवेज को ऐसा करके कराया
कि ग्रेग क्विसेंट जो है ना वो इक्वली क्या हो गया, दोनों सेल्स में क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मतलब इसमें भी ग्रेग क्विसेंट आ गया एरिया और इसमें भी क्या आ गया, ग्रेग क्विसेंट का एरिया आ गया। तो अब जब डेवलपमेंट हुआ कंप्लीट तो देखा गया कि दो ऑर्गेनिज्म का नॉर्मल डेवलपमेंट हुआ। मतलब यहाँ भी एक नॉर्मल सालामेंडर बनेगा और यहाँ भी क्या बनेगा, नॉर्मल सालामेंडर बनेगा। ये केस वन हुआ। केस टू में इन्होंने क्या किया कि ये क्या चीज है, एग को लिया, सालामेंडर का एग को लिया, ये ग्रेग क्विसेंट एरिया है। फर्स्ट क्लीवेज हुआ, इक्वली फर्स्ट क्लीवेज हुआ, दोनों सेल में क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे इक्वल क्या हुआ, ग्रेग क्विसेंट एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो अब उन्होंने क्या किया, ये जो एग बना आफ्टर फर्स्ट क्लीवेज, ये एग को क्या कर दिया, रोटेट करा दिया। रोटेट कराने से क्या हो गया, जो ग्रेग क्विसेंट का एरिया था वो किस तरफ आ गया, हम लोग बोलेंगे एक सेल की तरफ क्या आ गया, ऑक्यूपाई कर गया कंप्लीट ग्रेग क्विसेंट वाला एरिया, दूसरे सेल की तरफ कोई भी ग्रेग क्विसेंट एरिया नहीं था। तो जब अब हम लोग बोलेंगे ये जब जो भी ये जो सेल है वो जब डेवलप किया तो वो सेल कंप्लीट एम्ब्रियो में डेवलप कर गया जिसके पास क्या चीज था, ग्रेग क्विसेंट एरिया था। और वो सेल जिसके पास कोई भी ग्रेग क्विसेंट का एरिया नहीं था वो हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिज्म में डेवलप किया ही नहीं। मतलब यहाँ पर कोई भी सालामेंडर नहीं बना, यहाँ पर क्या बना, नॉर्मल सालामेंडर बना। तो वो क्या किया, स्टीमैन कंक्लूजन निकाला कि ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के लिए या सालामेंडर के डेवलपमेंट के लिए क्या होना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे ग्रेग क्विसेंट का होना पड़ेगा। ठीक है, अगर ग्रेग क्विसेंट नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे नॉर्मल डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, मतलब सालामेंडर का डेवलपमेंट क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो यही क्या था, ग्रेग क्विसेंट एरिया वाला एक्सपेरिमेंट था जिसको कौन परफॉर्म किया, स्टीमैन। ठीक है, तो अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक वो क्या चीज है, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूकोक सेंटर। ठीक है, ये भी इससे भी क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स में CSIR नेट में। तो इसमें होता क्या है, देखो ये न्यूकोक सेंटर क्या होता है, तो जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि जो डॉर्सल हिप्पोब्लास्टोपोर है इसको हम लोगों ने क्या बोला, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर बोला ना। और ये प्राइमरी ऑर्गेनाइजर क्या कर रहा था, मेसोडर्म को किसमें चेंज कर रहा था, कॉर्टा मेसोडर्म में ना। और कॉर्टा मेसोडर्म फिर क्या चीज कर रहा था, एक्टोडर्म को इंड्यूस कर रहा था कि एक्टोडर्म तो किसमें चेंज हो जाओ, नर्वस सिस्टम में चेंज हो जाओ ना, यही कॉन्सेप्ट है ना। तो ये जो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर का प्रॉपर्टी जो है, जो डॉर्सल हिप्पोब्लास्टोपोर में, ये कहाँ से आया, तो इसको बताने के लिए जो सबसे फर्स्ट जो साइंटिस्ट थे उनका नाम ही क्या था, पीटर न्यूकोक। इसीलिए हम लोग ये स्टडी करते हैं क्या चीज, न्यूकोक सेंटर के बारे में। ठीक है, तो ये पीटर न्यूकोक ने क्या बोला कि डॉर्सल मोस्ट वेजिटल सेल्स है ना उससे कुछ ना कुछ तो ऐसा सिग्नल निकलता होगा जिसके कारण डॉर्सल हिप्पोब्लास्टोपोर में प्राइमरी ऑर्गेनाइजर का प्रॉपर्टी डेवलप हो जाता है। और ऐसा क्या सिग्नल निकलता है ये उन्होंने नहीं बताया। तो देखो इसको ऐसा समझते हैं, जैसे कि मान लो कि एक स्टेज लेते हैं ब्लास्टुला स्टेज, तो ब्लास्टुला स्टेज मान लो ये है, ठीक है ना, ये ब्लास्टुला स्टेज है। मान लो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे माइक्रोमीयर रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये सब क्या चीज है, ये सब क्या है, ये सब है मैक्रोमीयर, ये सब ये मैक्रोमीयर है। और ये वाला क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे क्या हो गया, ब्लास्टोसील हो गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या चीज है, अगर हम लोग इसको एग से रिलेट करेंगे तो पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म कहाँ था, यहाँ था। ठीक है, ये वाला पार्ट वेंट्रल था और इसके ऑपोजिट क्या हुआ था, ग्रेग क्विसेंट एरिया था। मतलब ये वाला पार्ट क्या था, डॉर्सल था। और यहीं पर क्या बना था, डॉर्सल हिप्पोब्लास्टोपोर बना था ना, हम लोग देखे थे। चूंकि ये वेंट्रल है इसका मतलब अगर हम लोग ऐसे करके डिवाइड कर देंगे तो ये सारा का सारा इधर वाला पार्ट वेंट्रल होगा, ये सारा का सारा इधर वाला पार्ट क्या होगा, डॉर्सल होगा, यही कॉन्सेप्ट है ना। तो देखो होता क्या है, यहीं पर क्या चीज है, यहाँ पर क्या चीज है, डॉर्सल हिप्पोब्लास्टोपोर, ये और यही डॉर्सल हिप्पोब्लास्टोपोर क्या चीज का काम कर रहा है, हम लोग बोलेंगे प्राइमरी ऑर्गेनाइजर का काम कर रहा है। तो न्यूकोक ने क्या बोला, पीटर न्यूकोक ने क्या बोला, ये सब जो सेल्स है, ये सब सेल्स है, ये सब जो रेड कलर से मैं बना रहा हूँ, वो जो सेल्स है, देखो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो रेड कलर से सेल्स बनाया उसको बोलेंगे डॉर्सल मोस्ट वेजिटल सेल्स। क्यों इसको डॉर्सल मोस्ट वेजिटल सेल्स बोलेंगे, क्योंकि ये वाला पोल क्या चीज है, ये वाला पोल एनिमल पोल है और ये वाला पोल क्या हो गया, वेजिटल पोल हो गया ना। और डॉर्सल के तरफ क्या चीज है, ये सब सेल्स है। ठीक है, ये सब सेल्स है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डॉर्सल मोस्ट वेजिटल पोल की तरफ है, वेजिटल सेल्स। तो ऐसा बोला जाता है ये जो डॉर्सल मोस्ट वेजिटल सेल्स है उससे कुछ सिग्नल निकल रहा है। ठीक है, और वो सिग्नल के कारण ही क्या बन रहा है, हम लोग बोलेंगे प्रॉपर्टी डेवलप हो रहा है किसमें, डॉर्सल हिप्पोब्लास्टोपोर में, क्या चीज का, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर का। अब यही प्राइमरी ऑर्गेनाइजर फिर क्या चीज को बना रहा है, कॉर्टा मेसोडर्म को बना रहा है। और क्या चीज, कॉर्टा मेसोडर्म फिर क्या चीज को बना रहा है, नर्वस सिस्टम को बनवा रहा है, मतलब एक्टोडर्म को इंड्यूस कर रहा है। तब जाके एक्टोडर्म किसमें चेंज हो जा रहा है, नर्वस सिस्टम में चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो ये जो डॉर्सल मोस्ट वेजिटल सेल्स है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूकोक सेंटर। और यही स्टडी किया था कौन, पीटर न्यूकोक।
इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो ऐसे करके, जैसे कि मान लो कि ये वाला को हम लोग ऐसे देखते हैं, ऐसे करके बनाते हैं, ये क्या चीज हो गया, एक्टोडर्म हो गया, ये बीच वाला पार्ट क्या हो गया, मेसोडर्म हो गया, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, एंडोडर्म हो गया, ये कॉन्सेप्ट है ना। तो अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ये कंप्लीट क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म बनेगा, ठीक है, कंप्लीट नॉर्मल ऑर्गेनिज्म बनेगा। लेकिन अगर हम लोग एक्टोडर्म को क्या कर दे, सेपरेट कर दे, मेसोडर्म को भी सेपरेट कर दे, और एंडोडर्म को भी क्या कर दे, सेपरेट कर दे, तो हम लोग बोलेंगे कोई भी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखो, जैसे कि मान लो यहाँ पर क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया मेसोडर्म को, एक्टोडर्म को और इंडोडर्म को। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो एक्टोडर्म है, ये जो एक्टोडर्म है और ये जो इंडोडर्म है, इसको फिर से क्या कर दिया, हम लोग बोलेंगे फिर से इंटैक्ट कर दिए, फिर से जोड़ दिए, ठीक है, इंडोडर्म को एक्टोडर्म के साथ क्या कर दिए, जोड़ दिए। क्योंकि ये एक्टोडर्म है, मतलब इस तरफ वाला पोल क्या हो जाएगा, एनिमल पोल हो जाएगा, ये इंडोडर्म है, इस तरफ वाला पोल क्या हो जाएगा, वेजिटल पोल हो जाएगा। और अगर ऐसा हम लोग देखेंगे तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, वेंट्रल, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इस तरफ वाला पार्ट क्या होगा, डॉर्सल। ये कॉन्सेप्ट है ना। तो देखा गया है कि यहाँ पर जो इंडोडर्म का सेल्स है, मतलब हम लोग बोले क्या चीज, डॉर्सल मोस्ट जो वेजिटल सेल्स है, ये डॉर्सल मोस्ट वेजिटल सेल्स से क्या निकल रहा है, कुछ सिग्नल निकल रहा है, जिसके कारण यहाँ पर क्या चीज डेवलप हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पर क्या चीज डेवलप हो रहा है, डॉर्सल लिपोब्लास्टोपोर डेवलप हो रहा है। और ये क्या चीज का काम कर रहा है, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर का काम कर रहा है, और यही प्राइमरी ऑर्गेनाइजर यहाँ पर क्या चीज का फॉर्मेशन करा रहा है, एक्टो और मेसोडर्म के बीच, सॉरी एक्टो और इंडोडर्म के बीच में क्या चीज का फॉर्मेशन करा रहा है, एक जर्म लेयर का फॉर्मेशन करा रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे मेसोडर्म, ठीक है। मोर स्पेसिफिकली हम लोग बोल सकते हैं कॉर्डा मेसोडर्म, और ये कॉर्डा मेसोडर्म अब क्या करेगा, एक्टोडर्म को इंड्यूस करेगा, तब जाके क्या बनेगा, एक्टोडर्म किसमें चेंज हो जाएगा, नर्वस सिस्टम में चेंज हो जाएगा। तो ये जितना भी हम लोग बोलेंगे इंडोडर्मल जो सेल्स है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं डॉर्सल, या फिर हम लोग बोल सकते हैं डॉर्सल मोस्ट वेजिटल सेल्स जो है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूकूप सेंटर, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है, क्या चीज का, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूकूप सेंटर का। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्पीमैन एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट वीडियो में वी विल सी द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ एक्सिस फॉर्मेशन। तब तक के लिए थैंक यू।